शांति 24 सितंबर 2020 के आज के मधुर मधुर साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑल राउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। प्रश्न, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? उत्तर, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बताई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देहे को नहीं देखो, मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मा पद्म पति बन जाएंगे। गीत, धीरज धर मनवा त्रिसुख के दिन आए की आए। धारणा बिंदु, पहला पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ यह पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ, जहां बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छे मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। वरदान, स्नेहे के बाण द्वारा स्नेहे में घायल करने वाले स्नेहे और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। व्याख्या, जैसे लौकिक रीति से कोई किसी के स्नेहे में लवलीन होता है, तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सूचना, पॉइंट दोहराना यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। स्लोगन, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। ओम शांति।